आज हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का बैरिंग चेंज करना देखेंगे। ये जो मॉडल है मेरे सामने, ये LWMF60WX1 है। इसी प्रकार से बाकी 6 kg, 8 kg, 7 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बैरिंग भी चेंज किए जा सकते हैं। और हमने खोला इसका, आगे की फ्रंट पीसीबी निकाल लेंगे इससे, या स्क्रू दिए हुए हैं, स्क्रू खोलेंगे। ये डिस्पेंसर बॉक्स के पास में स्क्रू है, इसको दबाना है, इसको दबा के ये निकाल देना है। ये स्क्रू दिए हुए हैं, ये खोलना है। पीसीबी अलग कर लेंगे। गास्केट खोलेंगे, यहाँ पे गास्केट का स्क्रू है। डोर लॉक से कनेक्टर निकालेंगे। जो वेट लगे हुए हैं वेट हटाएंगे। ये हीटर है, हीटर के कनेक्शन हटाएंगे। ये होस पाइप हटाएंगे। हटा दिया हमने। मशीन का बैक कवर खोलेंगे। इसमें लोग दबा के इसको दबा के इस बाहर मोटर को डिस्कनेक्ट, मोटर को हटा देंगे तब से। ये कनेक्टर है, इसको हटा देंगे। मोटर के कनेक्शन अलग कर लेंगे मोटर को। ये हमारा टब जो है मशीन से बाहर आ गया।
ये टब बिल्कुल अलग हो गया है मशीन से। अब जो है पुली को हमें अलग करना है, इस पुली को हमें यहाँ से अलग करना है। पुली को पहले खोलना है। 17 नंबर की गोटी लगेगी इसमें। पुली निकल आई है। जो इशू है वो इस बैरिंग में है और जो सील लगी हुई है वो हमें अलग कर। टब के स्क्रू खोलने हैं जिससे कि आधा हिस्सा जो है अलग हो जाएगा, आउटर बॉडी। ये इधर बैरिंग है इसका, ये रबर सील है जो कि चेंज करनी होती है। निकाल निकल जाएगी। इसमें दो बैरिंग है, एक अंदर की तरफ है, एक इनसाइड, एक आउटसाइड, और एक ये बाहर की साइड। दोनों बैरिंग चेंज करने पड़ेंगे और साथ में ऑयल सील भी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए बैरिंग निकल गया है। आराम से हल्की हल्की साइडों पे चोट मारनी है, आउटसाइड, इनर साइड नहीं मारनी, आउटसाइड मारनी। और इसको लगाने के लिए जो बड़ा बैरिंग है वो अंदर की साइड लगा हुआ है, छोटा बैरिंग जो है वो बाहर की तरफ है। दोनों बैरिंग आप दिखा दो जरा। ये बड़ा बैरिंग है अंदर की साइड, ये अंदर की साइड लगा हुआ है, ये हमने पहले निकाल लिया था। और दूसरा बैरिंग, ये छोटा बैरिंग है, ये इसी तरह से चोट मार के निकालना है। ये पीछे की साइड है। अब हम बैरिंग लगाना कैसे है वो दिखाएंगे। हल्की हल्की चोट मारनी है बाहर की साइड में। देखो अच्छी तरीके से बैठ गया है, बिल्कुल इस लेवल में आ जाना चाहिए, तो आपका बैरिंग फिट हो गया है। ये बाहर का बैरिंग हमने फिट कर दिया है, अब अंदर का हम बैरिंग फिट करेंगे। आपको हैमर का इस्तेमाल करना है और साइडों में चोट मारना है, सेंटर में चोट मारने से बचना है, क्योंकि सेंटर में अगर लगेगी तो बैरिंग खराब हो सकता है। अब आप रबर सील लगाएंगे इस पे। ये रबर सील है, अच्छे से इसको प्रेस करके लगा देंगे। रबर सील इसलिए लगती है जिससे कि बैरिंग में पानी ना जाए, बैरिंग खराब ना हो, और बैरिंग खराब ना हो। अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। ये इस तरह से बैरिंग चेंज करने का हमारा निकालने और लगाने का तरीका है। ये इस तरीके से बैरिंग अंदर बाहर की दो बैरिंग चेंज होंगी और साथ में रबर सील भी चेंज होगी। ये इस तरीके से फ्रीली मूव करना चाहिए, कोई आवाज नहीं है। अब हम वापस ड्रम को फिट कर देंगे। इस तरीके से हम
आउटर तब की आउटर बॉडी फिट करेंगे। तरीके से हमने वेट लगा देने हैं, फिर ये स्क्रू टाइट कर लेते हैं। ऊपर वाला वेट हमने ऑलरेडी कर दिया है। हॉस पाइप जो है जहां से निकाला था वहां पे हम दोबारा से फिट कर देंगे। मोटर हमने फिट कर दी। और इसका बोल्ट टाइट कर देंगे। Thank you.